देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। भोजपुरी सिंगर और सुपरस्टार पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने का फैसला ले लिया है, जहां उन्होंने आरा के कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दायर कर दी है। वहीं ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर एक बड़ा आरोप भी लगाया है। बिहार के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक मांगा है। उन्होंने आरा के फैमिली कोर्ट में सुनवाई के लिए उनकी पत्नी पहुंची थी, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंच पाए। फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 26 मई की दी है। वहीं अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों पवन सिंह अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं। बता दें कि पवन सिंह की यह दूसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी का देहांत बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिसके बाद पवन ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले रामबाबू सिंह की पुत्री ज्योति सिंह के साथ 7 मार्च 2018 में शादी बलिया के शंकर होटल में की थी। सूत्रों की माने तो पवन सिंह ने पत्नी ज्योति का किसी और के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया है। वहीं ज्योति सिंह के वकील विशुंधर पांडे ने मीडिया को बताया है कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को 2 बार गर्भपात करवाया है। शादी के बाद पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के साथ हमेशा प्रताड़ित कर अत्याचार करते थे। शादी के बाद से ही हमेशा गाली गलौज करते थे। उन्होंने बताया कि पवन सिंह ने आरा कुटुंब न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने गुरुवार को आरा कुटुंब न्यायालय में पहुंचकर अंतरिम भरण पोषण के लिए न्यायालय से मांग की है। ज्योति सिंह पिछले कई महीनों से अपने मायके में रह रही हैं। ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह के ऊपर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। इस मामले को लेकर पवन सिंह की मुश्किलें अब आगे और भी बढ़ सकती हैं। सुपरस्टार पवन सिंह की यह दूसरी शादी थी, लेकिन 4 साल की इस शादी में ज्यादा दिन कुछ भी नहीं टिक पाया और बात अब तलाक तक पहुंच चुकी है। पहली पत्नी की मौत के बाद से ही पवन सिंह ने दूसरी शादी कर ली थी। 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं टक पाई और अब बात तलाक तक पहुंच गई है। वहीं ज्योति सिंह ने जहां पवन सिंह पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, वहीं ये भी कहा है कि उन्होंने उनका 2 बार गर्भपात भी करवाया है। पवन सिंह की अब मुश्किलें जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जहां आज वो कोर्ट में नहीं पहुंचे पवन सिंह, जिसके बाद कोर्ट ने जो फैसला है वो रख लिया है और बताया जा रहा है कि 26 मई को अब अगली सुनवाई होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर तलाक। ज्योति सिंह ने जहां पवन सिंह पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने बताया है कि पवन सिंह उन्हें लगातार प्रताड़ित करते थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पवन सिंह ने उनका 2 बार गर्भपात करवाया है। वहीं पवन सिंह जहां आज आरा के कोर्ट में नहीं पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और 26 मई को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में ये फैसला होगा कि आखिर तलाक होगा या नहीं। अगर तलाक होगा तो फिर ज्योति सिंह को भरण पोषण के लिए मिलेगा पैसा या नहीं मिलेगा। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।